आई एवरी वन वेलकम बैक सो आज एक्चुअली एप में कुछ डाउन uh, टाइम आ गया था इस वजह से हम लोग आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए नाउ इट्स अप्रॉक्सीमेटली टू ओ क्लाक और अब ऐप अब, 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 अब स्टार्ट हुआ है तो वी है तो अब देखिए uh, ये हम लोग निफ्टी देख रहे हैं uh, सबसे पहले अभी देख लेते हैं ट्रेंड क्या चल रहा है तो लेटेट सी ए फिफ्टीन मिनट कैंडल देखिए फिफ्टीन मिनट कैंडल में हम देखते हैं कि ये निफ्टी ऊपर गया फिर उसके बाद वापस नीचे आया है और ये इसका लोएस्ट पॉइंट था यहाँ पे टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेल्व पे अब यहाँ नीचे आके अब इसमें डाउनवर्ड अभी ट्रेंड दिख रहा है हमें अब हम टेन मिनट्स का कैंडल देखते हैं टेन मिनट्स में यहाँ ये जो छोटा कैंडल बन रहा है ये ग्रीन कलर का बन रहा है तो रिवर्सल हो सकता है हो सकता है ये लोएस्ट है और यहाँ से अब अब जाए वापस वन मिनट के कैंडल में देखते हैं बाइंग आ रही है क्या देखिए तो ये अभी यहाँ पे लोएस्ट आ चुका और उसके बाद यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई है ये वन मिनट के कैंडल से हमने देखा है तो आई बिलीव अभी पांच मिनट के कैंडल में भी अगर हम देखते हैं ये देखिए दो पॉजिटिव कैंडल्स बन रही हैं अब ये जैसे ही इस कैंडल को ब्रीच कर देगी ये वाली कैंडल 150 की तो हम बाइंग कर सकते हैं तो यहाँ पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है अब पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है तो अब हमें कॉल बाय करना है तो हम दस चार सौ का कॉल जो है इस पर जाते हैं और इसका चार्ट देखते हैं देखिए पाँच मिनट में ये कैंडल सेम वैसे ही बन रही है देखिए पॉजिटिव अब बस ये इसको ब्रीच करेगा तो हम इसको बाय करेंगे वन मिनट वाला चार्ट देखते हैं एक बार बाइंग आ रही है यस यहाँ पर बाइंग आती हुई ओहो बहुत क्लियर बाइंग नहीं है देखिए आप ये देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड रिवर्सल का कुछ सा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि यहाँ से वापस नीचे चला जाए वन मिनट में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है तो अभी हम वेट करते हैं और पाँच मिनट के चार्ट में बाइंग है बट वो पहले वाली कैंडल ये जो है नाइन्टी इसको पॉइंट इसको वो नहीं कर पाया अब देखिए नाइन ये नीचे आ गया है वापस तो लेट अस वेट अ लिटिल बिट अभी वेट करना ठीक होगा यहाँ पर ये ट्रेंड रिवर्सल मुझे लग रहा है बिकॉज आप ये देखिए देखना बिल्कुल सिंपल है लास्ट जो ये लो आया था ये बारह चालीस पर आया था ट्वेल्व फोर्टी पर यहाँ लोएसट नाइन्टी फाइव पर आया सॉरी लोएस्ट एटी सिक्स पर आया फिर उसके बाद यहाँ पे जो लो आया एटी फोर पर आया अब ये यहाँ से हो सकता है वो नीचे वापस आ रहा है तो एटी फाइव एटी फोर एटी सिक्स से वापस ऊपर चला जाए बिकॉज आई टोल्ड यू निफ्टी ऊपर जाता है नीचे आता है ऊपर जाता है नीचे आता है, नीचे आता है। तो लेट जस्ट वेट फॉर दिस लेट अस सी द वन मिनट चार्ट वन मिनट चार्ट क्या कह रहा है ये देखिए वापस से सेलिंग आई है तो so, कुछ कह नहीं सकते अभी वापस से ये रेड कैंडल्स बन गई तो so, अभी क्लियर नहीं है ट्रेंड राइट क्लियर ट्रेंड नहीं है और अगर हम कहते भी हैं कि हम लोगों को ट्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि 15 मिनट्स का हम देखते हैं ट्रेंड तो वो अब देखिए पहला ये अब ट्रेंड सुबह से आया था नाइन फिफ्टीन से ये ऊपर गया दस बजे तक ऊपर चला फिर उसके बाद ये डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया बारह बजे से लेकर वन फोर्टी फाइव तक तो अप्रोक्सीमेटली वन वन एंड हाफ आर हो चुका है और डाउनवर्ड ट्रेंड है अब ये ट्रेंड रिवर्सल आना चाहिए यहाँ से पॉजिटिव ऊपर जाना चाहिए मार्केट दिस इज़ वॉट द एक्सपेक्टेशन इज बिकॉज मार्केट का ट्रेंड अभी यही रहना है और आज निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल था देखिए निफ्टी दस तीन सौ चल रहा है दस चार सौ या तो क्रॉस करेगा शाम तक या फिर नहीं करेगा तो ये दस तीन सौ टेन टू एटी का इसका सपोर्ट है तो टेन टू एटी तक रहेगा तो अब देखिए आप देख सकते हैं ये और नीचे जा रहा है बट हम लोग अभी ट्रेंड रिवर्सल का वेट कर रहे हैं तो पाँच मिनट के चार्ट में थोड़ी सी बाइंग दिखी बट ये तो वही कैंडल है क्लियर नहीं हुआ वन मिनट चार्ट में देखिए सेलिंग आ रही है तो अभी बाय करने का टाइम नहीं है और अब हम पुट क्यों नहीं खरीद सकते लेट अस सी पुट देखते हैं अगर मार्केट टूट रहा है तो चलिए निफ्टी देखते हैं निफ्टी अगर हम देखें तो वन मिनट का जो चार्ट है ये देखिए निफ्टी वन मिनट का जो चार्ट है यहाँ पे वन मिनट के चार्ट में बाइंग और सेलिंग हो रही है बट स्ट्रांग ट्रेंड नहीं है इसलिए अभी हम बाय नहीं कर रहे हैं पाँच मिनट का चार्ट देखेंगे यहाँ पे देखिए बाइंग आ रही है बट बहुत स्ट्रांग बाइंग नहीं है तो वो कॉल की वैल्यू को उतना तेज़ी से ऊपर नहीं खींचेगा आपको इजीली पाँच पॉइंट नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर जब ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का हम वेट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आएगा तब हम खरीदेंगे और 10 मिनट के चार्ट में देखिए अभी तक कोई कैंडल नहीं बना पॉजिटिव जाने का तो इसलिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट टू फिफ्टीन तक फिर टू फिफ्टीन पर हम वापस आके और देखेंगे क्या ट्रेंड बन रहा है और अगर ट्रेंड बन रहा है तो फिर हम लोग बाय कर सकते हैं मे बी आज टू फिफ्टीन मे बी आज मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँ बिकॉज आई हैव सम मीटिंग्स एंड थिंग्स गोइंग ऑन तो नो no, अभी इसमें कोई भी बाइक ट्रेंड नहीं आ रहा है नो इट इज़ अ डाउनवर्ड ट्रेंड तो आई थिंक अभी तो हमें इसको रोक देना चाहिए ट्रेड आज नहीं करना चाहिए और पुट अगर हम देखते हैं लेट से दस हज़ार चार सौ का पुट देखते हैं तो दो जुलाई का पुट दस हज़ार चार सौ का ये बहुत ही महंगा है देखिए टू वन फाइव पे है दस हज़ार चार सौ का और दस हज़ार तीन सौ का पुट भी बहुत महंगा है वन सिक्सटी है अगर हम दस हजार एक सौ का देखते हैं चलिए बट ये पुट इसलिए नहीं बढ़ेगा देखिए क्योंकि आज मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड है तो पुट बढ़ने के चांसेस नहीं है ये ये मान लीजिए शॉर्ट ट्रेंड होगा और प्लस इसके अंदर जो मूव uh, आएगा वो पाँच पॉइंट आपको नहीं दे सकता क्योंकि जब तक मार्केट स्ट्रोंगली नीचे नहीं गिरता तब तक ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं हिलते हैं अब जैसे देखेंगे आप तो इसमें देखिए हाई है 84 लो है 80 अब इसमें देखेंगे हाई है 83 लो है 79 तो एग्जैक्टली पाँच पॉइंट ही हैं हमें चाहिए कि ये uh, इसमें एटलीस्ट 20 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स तो आराम से निफ्टी ऊपर नीचे होता है तो उतना इसके अंदर मूवमेंट आना चाहिए तब हमें इजीली पाँच पॉइंट मिलेंगे अदरवाइज़ यहाँ पर ये बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर मैं इसमें कर दूँ तो आज क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है ऊपर जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है अभी ये पाँच पॉइंट हमें दे जाए इसलिए हम पुट अभी नहीं ले सकते हैं आई बिलीव आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मार्केट अभी आज स्ट्रांग बाइंग आई थी स्टार्टिंग में फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा बाइंग आता है फिर थोड़ा सा नीचे आता है सेलिंग होती है फिर बाइंग आती है फिर सेलिंग होती है सिंपल सा मार्केट ऐसे चलता है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बट एक ट्रेंड होता है मार्केट का और आज का ट्रेंड है पॉजिटिव अपवर्ड गोइंग तो अगर अपवर्ड गोइंग मार्केट है तो उसमें हम लोग पुट में डील करना बड़ा मुश्किल होता है जब वीकली एक्सपायरीज होती हैं उस दिन स्ट्रांगली अपवर्ड भी जाता है स्ट्रांगली नीचे भी आता है क्योंकि बहुत हाई लेवल की सेलिंग हाई लेवल की बाइंग होती है। तो इसलिए अभी यहाँ पर देखिए स्ट्रांग ट्रेंड बाय का नहीं दिख रहा मुझे इस कैंडल में भी देखिए कितना बना ये 81 लो 83 हाई तो कुछ मिल ही नहीं रहा है इसमें तो इसलिए हम पुट में डील नहीं करेंगे आज अब वो ट्रेंड है इसलिए हम लोग कॉल की तरफ ही देख रहे हैं कॉल में ज़्यादा आपको अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे देखिए अभी तक वापस ये यहीं आ गया है और अगर इस चार्ट को मैं थोड़ा छोटा कर दूं अभी देखिए चार्ट में मुझे ऐसा लगता है अगर ये नीचे वाला जो लेवल है यहाँ पे ये जो नीचे आया था इस लेवल तक Uh, यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट था 84. अगर ये 84 टच करेगा तो उसके बाद वापस ऊपर जाना चाहिए सेम फॉर निफ्टी है निफ्टी अगर 300 टच करेगा तो वापस ऊपर जाना चाहिए यह हम मान के चलते हैं बट uh, अब इसमें देखिए आपको गैप्स मिलेंगे देखिए 5.87 से 92 इसमें भी देखिए ज़्यादा गैप नहीं आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि अभी हम होल्ड कर लेते हैं क्योंकि बाइंग पैटर्न आना जरूरी है वन मिनट में बाइंग पैटर्न देख के हम डिसीजन uh, नहीं लेते हैं हम देखते हैं टेन मिनट्स में बाइंग पैटर्न आया क्या बट अभी यहाँ बाइंग पैटर्न नहीं दिख रहा है मुझे फाइव मिनट्स में बाइंग पैटर्न भी नहीं दिख रहा है देखिए कैंडल्स ऐसी बन रही हैं तो बाइंग पैटर्न तो नहीं है तो जब बाइंग पैटर्न आएगा तब हम मूव के साथ मूव करेंगे तो आई थिंक लेट अस कॉल इट अ डे अभी आज के लिए इसको यहीं क्लोज करते हैं और विल लुक डैट ऑन मंडे मंडे को हम क्या कर सकते हैं और कॉल्स और पुट्स में कोई भी पोजीशन हमें रोल ओवर नहीं करनी है आगे दिन नहीं ले जानी है बिकॉज इसमें टाइम डिके होता है और आप लोग लूज करेंगे इसलिए हम सेम डे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो अभी इसमें कोई मूव नहीं है लेट्स सी अगर टू टू एंड हाफ अगर कोई मूव आता है देन आई गेट बैक और मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं थैंक यू आई गैस वेलकम बैक वेलकम सो so, uh, अब देखिए इसमें बाइंग पैटर्न मुझे दिखा वापस तो आई थॉट कि एक बार आपको वापस बता दिया जाए अब देखिए फिफ्टीन मिनट्स में एक बाइंग कैंडल बना है ग्रीन कैंडल बना है राइट right? ये यहाँ पे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अब इसमें दस पाँच मिनट का चार्ट देखते हैं पाँच मिनट में देखिए आप यहाँ पॉजिटिव स्ट्रांग बाइंग दिखी वन मिनट में वन मिनट में भी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है अब बात यह है कि हमें खरीदना कितने पे है तो देखिए ये जो कैंडल था ये 97 टॉप टच किया है इसने लो इसका 94 था तो 94 पे मैं इसको बाय कर सकता हूँ और एक्चुअली uh, इसका जो एवरेज है uh, 97 94 का मैं उस पर बाय कर सकता हूँ तो ये हो गया तकरीबन 200 सॉरी दिस इज़ कमिंग अराउंड नाइन्टी थ्री एंड हाफ सम तो मैं नाइन्टी थ्री के आसपास इसको बाय कर सकता हूँ और वन मिनट में अभी देखिए वापस ये ट्रेंड कहाँ तक आया ये बाइंग आई एक बार मैं इसको ज़रा पूरा देख लूँ ओके देखिए अब ये हाई यहाँ पर इसने टच किया है और ये ऊपर जाना चाहिए अभी यहाँ तक तो ऊपर जाना ही चाहिए एट लीस्ट तो हम ये मानते हैं ये नाइन्टी नाइन हंड्रेड तक ज़रूर जाएगा आराम से यहां पर वापस से एक सेलिंग का कैंडल बना बट हम अभी ट्रेंड देखेंगे टेन मिनट्स वाला और फिफ्टीन मिनट्स वाला यहां पर देखिए टेन मिनट्स में एक और कैंडल इनकी बनी है बाइंग की फिफ्टीन मिनट्स में अभी ट्रेंड नहीं आया है क्योंकि एक ही कैंडल बनी है फाइव मिनट्स में पॉजिटिव और वन मिनट में पॉजिटिव अब ये पुरानी कैंडल को अगर ब्रीच कर जाती है ये ग्रीन कैंडल तो ये ऊपर जाएगा ठीक है तो हम एक बार थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये कैंडल इसको ब्रीच करती है क्या इनके ट्रेंड को 96, 97 को तो हम उसको बाय करेंगे ये 97, अगर ये 97 ब्रीच कर सकती है तो वापस नीचे भी आएगा तो हम इसको नीचे आने पर बाय करेंगे क्योंकि देखिए ट्रेंड अभी ऊपर जाने का बना बट स्ट्रांग नहीं है तो हमें एक्चुअली हमने इसको बंद कर दिया था तो हमें एक्चुअली यहाँ पे बाय करना चाहिए था इसको इस कैंडल पे। बट अभी क्योंकि स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा है तो वी हैव टू वेट अब देखिए वापस डाउन कैंडल आ गया तो आई बिलीव ये वापस नीचे आएगा यहाँ तक इस पॉइंट तक आएगा नाइन्टी के पॉइंट तक आएगा एटी सेवन एटीज में आ जाएगा ये वापस और फिर उसके बाद ऊपर बढ़ना चाहिए अभी देखिए वापस डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया और पाँच मिनट में भी ये स्ट्रोंग कैंडल अब हम देखिए बार बार अलग अलग चार्ट क्यों देखते हैं हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें ये अलग अलग कैंडल से इसका बाइंग का और उसका ट्रेंड पता चलता है सबसे अच्छा ट्रेंड हमें पता चलता है फिफ्टीन मिनट्स कैंडल से और टेन मिनट कैंडल से तो टेन मिनट की जो कैंडल बन रही है अगर उसमें एक कैंडल एक के ऊपर बन रही है इट मीनस वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड है पर हमें एंट्री कहाँ लेनी है उसके लिए हमें देखना होता है वन मिनट के चार्ट को एंट्री लेने के लिए कि एंट्री हम कहाँ लें अभी देखिए वो 97 गया था अब मैं 97 पे ख़रीद लेता तो ये वापस टेन uh, पॉइंट नीचे आ गया तो इसलिए अभी हमें एंट्री नहीं लेनी हम यहाँ एंट्री के लिए देखते हैं मुझे सिर्फ ट्रेंड देखना होता है टेन मिनट्स और फिफ्टीन मिनट्स में तो यहाँ ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं इसका मतलब जो वन मिनट के चार्ट में ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं और रेड कैंडल्स बन रही हैं उनका कंसोलिडेशन अगर किया जाए दस मिनट में तो बाइंग ज़्यादा है इसलिए ये ट्रेंड बताता है ट मिनट्स और फिफ्टीन मिनट्स वाला बट एंट्री कहाँ लेनी है एंट्री के लिए हमें वन मिनट का ही चार्ट देखना है तो अब देखिए नीचे जा रहा है एक बार यहाँ पर वापस एक बार रिवर्सल का ट्रेंड बनने दीजिए तो हम इसको वापस बाय करेंगे एक बार ये नीचे आ जाए एटीज में अभी क्योंकि डाउन कैंडल आ रहा है तो इसका मतलब देखिए लो नाइन्टी इसने बनाया फ, आ, इस कैंडल ने तो अगर यहाँ जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी मैं इसको बाय कर लूँगा और फिर ये ऊपर जाएगा वापस और पाँच पॉइंट आपको दे जाएगा तो आपको इसमें ट्रेड में थोड़ा सा यू नो यू हैव टू कीप पेशेंस हमें जल्दी 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 में देख के और ऐसे नहीं करना है ये देखिए थर्ड कैंडल अभी रेड दिख रही है लेट अस जस्ट हैव पेशेंस इसमें बाइंग ज़्यादा है या सेलिंग ज़्यादा है उस हिसाब से ग्रीन और रेड होगी ये वाली कैंडल तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना है राइट right? अब एक और कैंडल का वेट करते हैं बिकॉज मुझे बाइंग ट्रेंड पता चलेगा अभी एकदम से अभी हम नहीं खरीदेंगे इसको अब हम पाँच मिनट का चार्ट देखते हैं वापस पाँच मिनट का चार्ट में देखिए ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं यानी कि बाइंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है सिंपल टेन मिनट का देखेंगे टेन मिनट में भी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं यानी कि बाइंग सिग्नल है और आप इसको अगर छोटा करके भी देखेंगे तो निफ्टी देखिए नीचे आ चुका है अब नीचे से ऊपर जाएगा ये राइट यहाँ से यूजुअली ऊपर जाएगा क्योंकि एक रेंज में चल रहा है अभी दस चार सौ तक पहुँचना चाहिए अभी कहाँ है आपको ये भी देखना है सबसे पहले तो ये देखिए हम ये देखते हैं कि ट्रेंड निफ्टी दस चार सौ नहीं पहुँचा है पहली चीज़ दूसरी चीज़ जो हमारा रेजिस्टेंस रे टॉप का लेवल है तो वहाँ नहीं पहुँचा है दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि चार्ट अगर मैं देख रहा हूँ तो उसमें बाइंग ट्रेंड है ना ग्रीन कैंडल्स आ रही है बाइंग ट्रेंड है फिर तीसरी चीज़ मैं देखता हूँ बाइंग ट्रेंड में भी वन मिनट के चार्ट में रिवर्सल आ रहा है क्या कोई ट्रेंड रिवर्सल तो वो हमें देखना जरूरी है और लोएस्ट कितना गया है और लोएस्ट से ऊपर उठ रहा है या नहीं उठ रहा है तो वो हमें देखना जरूरी है तब हमें बाइंग पॉइंट मिलता है और फिर हम लोग उसमें बाइंग करते हैं अब देखिए नाइन्टी टू आ गया तो वी हैव टू वेट ग्रीन कैंडल्स का वेट करना है और जैसे ही यहाँ पर ये ऐसी दो कैंडल्स मुझे मिल जाएंगी तो मुझे देखिए ट्रेंड का पॉजिटिव होने का तो पता चल रहा है टेन मिनट्स चार्ट से या फिर फिफ्टीन मिनट चार्ट से बट जैसे ही एक एक मिनट की ये कैंडल मुझे मिल जाएंगी दो तो फिर मैं उसको बाय कर लूँगा राइट वो मेरा एंट्री पॉइंट हो जाएगा तो ऐसे हम लोग इसको देखते हैं अभी हम थोड़ा वेट करते हैं और इसको बाय करते हैं बिकॉज़ अगर अभी मैं क्लोज कर दूंगा तो फिर मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि कब हम बाय कर रहे हैं कब हम सेल कर रहे हैं देखिए ये डाउन जा नहीं पा रहा है लोएस्ट नाइन्टी गया था और फिर नाइन्टी वन लोएस्ट गया फिर नाइन्टी वन लोएस्ट गया बट ये अब यहाँ से पॉजिटिव आना देखिए स्टार्ट हुआ नाइन्टी फाइव हुआ ठीक है तो अब एक और कैंडल का मैं वेट करता हूँ कोई बात नहीं है हम नाइन्टी सिक्स पर खरीदेंगे लेकिन पॉजिटिव आना चाहिए इसमें लेट अस सी द सेकेंड कैंडल कमिंग इन क्योंकि एक कैंडल पे हमारा डिसीजन नहीं हो सकता ये वन मिनट का चार्ट है अब ये बाइंग मुझे दिख रही है तो ये थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए बट अस सी द सेकंड कैंडल अब देखिए इसमें कितना फ्लक्चुएशन आया ये हाई 96 गया है लो 93 गया है थ्री पॉइंट्स का ही इसमें आया है अभी तक वेरिएशन ओके नाउ देखिए सेकंड कैंडल पॉजिटिव बनी और ये इसको जैसे ही ब्रीच करती है राइट right? 96 को जैसे ही ब्रीच किया इसने ये देखिए अब हम बाय कर सकते हैं अब कितने पे बाय करेंगे हम लोग इसको अब बात आती है कितने पे करेंगे तो 96, 97 और 94 इनके बीच की जो प्राइस है 92 बाय कर सकते हैं आ, इसने अभी इसको भी ब्रीच कर दिया है ये यहाँ पर कितना हाई गया था 98 गया था हाई तो अभी हमें 98 हाई जो गया था लास्ट वाला अगर ये उसको ब्रीच करता है तो और ऊपर जा सकता है तो हम मानते हैं इसमें स्ट्रेंथ है अभी थोड़ा सा और वेट कीजिए एकदम से बाइंग नहीं करेंगे फाइव मिनट्स के कैंडल को ब्रेक नहीं कराया अभी इसने तो थोड़ा सा अभी और हम स्ट्रेंथ आने देंगे इसमें देखिए नाइन्टी फाइव आ गया तो नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स पे हम लोग इसको बाय कर सकते हैं नाइन्टी सेवन वापस आया थोड़ा सा एक थोड़ा सा और स्ट्रेंथ इसमें आ जाए तब हम इसको बाय करते हैं अब ये थर्ड कैंडल जो ऊपर जा रही है क्योंकि ये देखिए ऊपर नीचे होगा हमें टाइम मिलेगा बाय करने के लिए डोंट वरी देखिए थर्ड कैंडल अभी ऊपर नहीं जा पाई कैन यू सी दिस 95 आ गया वापस 96। तो एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एक बार दिख नहीं रहा है मुझे इसलिए मैं इसको होल्ड किए हुए हूँ हम बाय कर सकते हैं वैसे ये जाएगा अपवर्ड बट स्टिल आई वॉन्ट टू सी द स्ट्रांग ट्रेंड ताकि हमें कन्फर्मिटी रहे लॉसेस के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज करना चाहते हैं आप देखिए यहाँ फाइव मिनट वाला ये जो कैंडल है लास्ट ये इस वाले को ब्रीच नहीं कर पा रहा है अगर एक बार इसको ब्रीच करेगा तब हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है इसमें बाइंग आई है और वो चलेगी थोड़ी देर अब ये देखिए ये यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ये जो अगर हम इसको छोटा करके देखते हैं तो ये एक अप लेवल गया था यहाँ से वापस नीचे लौटा फिर वापस ऊपर इधर ही लेवल पे आ चुका है ये ये देखिए ये वन मिनट में आ, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग तो नहीं आ रही है लेकिन एक काम करते हैं नाइन्टी फाइव पे एक बार इसको बाय करते हैं अस सी और फिर हम 98 तक तो वो जाएगा तो उसको बेच देंगे तो अस वेट इसका 95 पे आने का 95 आ सकता है आसानी से ये देखिए 95 आ गया बाय करते हैं 95 35 बाय चलिए अस सी ये 95 35 पे बाय हो गया अब हम एक काम करते हैं अब हम देखते हैं चार्ट अब ये थ्री पे आ गया देखिए एकदम से ये नीचे ब्रेकडाउन हुआ नाउ वी हैव टू वेट क्योंकि इसमें अप एंड डाउन बहुत चल रहा है तो इसको हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे इसमें आई बिलीव जाना तो यहां से अब चाहिए बट वी वोंट टेक मच रिस्क वन मिनट में कोई बात नहीं है फाइव मिनट के ट्रेंड में अभी पॉजिटिव ही ट्रेंड है फाइव मिनट का और टेन मिनट्स में भी देखिए कैंडल वो ब्रेक नहीं कर रहा था पिछली वाली इसलिए स्ट्रांग ट्रेंड नहीं था कोई बात नहीं लेट अस वेट लेट अस वेट फॉर सम टाइम हमने इसको नाइन्टी फाइव पे लिया है थोड़ा सा वेट करते हैं और ये वापस नाइन्टी फाइव टच करना चाहिए बिकॉज ये यह यहां से देखिए हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न काइंड ऑफ दिख रहा है मुझे तो यहां से वापस ऊपर जाना चाहिए एक बार हम रिस्क ना लेते इसको 96 सिक्स पे ही सोल्ड आउट कर देते हैं ओके okay. अब देखिए वापस इसमें सेलिंग आ रही है नाइन्टी थ्री पे आया है 94 फोर नाइन्टी फाइव थोड़ा सा इंक्रीज हुआ नाइन्टी सिक्स पे आया देखिए ग्रीन कैंडल आई अभी इसको हम 98 पे एक बार सेल करते हैं क्योंकि उसका लेवल नहीं तोड़ पाएगा 97 98 पे सेल करते हैं देखिए क्योंकि उसका पुराने वाले का लेवल इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है हुआ? 98 पे सेल हो गया तीन पॉइंट हमारे हो गए अब देखिए 99 आ गया है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये ऊपर जा सकता था बट मुझे रिस्क नहीं लेना था इसमें क्योंकि इसमें बाइंग एंड सेलिंग बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है अब इसने पुराना ट्रेंड को एक बार चेंज किया है ठीक है अब इस कैंडल से ये पीछे वाली कैंडल ये जो आप देख रहे हैं इससे ऊपर गया है राइट अब देखिए 103 आया है कोई बात नहीं हमने जल्दी बेच दिया नो प्रॉब्लम बट हमने प्रॉफिट में बेचा है एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू बी इन प्रॉफिट्स अब देखिए वन मिनट में वापस ऊपर हब हाँ, अब गया है पुराने वाले कैंडल्स को तोड़ते हुए अब जा रहा है तो अब इसका मैं नीचे आने का वेट करूंगा और अब इसको बाय करूंगा क्योंकि अगर मैं पाँच मिनट का कैंडल देखता हूं देखिए बहुत पॉजिटिव है टेन मिनट्स में भी बाइंग दिख रही है स्ट्रॉन्ग बाइंग और फिफ्टीन मिनट्स में अपवर्ड ट्रेंड आ चुका है तो अब मैं क्या करूँगा वन मिनट के चार्ट में अब इसका नीचे आने का वेट करूँगा और फिर मैं इसको खरीदूँगा देखिए ये वन ज़ीरो टू है अभी ये नीचे आएगा थोड़ा सा तब हम इसको बाय करेंगे क्योंकि इसका हाई और लो देखिए आप लो 97 तक गया है ये और ये वापस नीचे आएगा हर बार हमेशा ऐसा ही होता है देखिए 102 से 101 आया और ये वापस स्टार्ट नीचे से करेगा ये देखिए 99 96 98 पे भी हम बाय कर सकते हैं इसको चलिए लेट्स से 100 पे हमने बाय किया ठीक है 100 पे बाय किया और अब हम देखते हैं इसकी डिटेल ये नीचे आएगा अभी नाइन्टी एट पर आएगा क्योंकि आप देखिए हाई लो जो बन रहा है जो हाई लो बन रहा है इनका बहुत ज़्यादा बन रहा है एक सौ चार तक गया है तो हंड्रेड पे मैंने बाई किया है तो एक सौ चार तक ये ब्रीच कर सकता है अभी और अभी ट्रेंड पॉजिटिव दिखा है हमें तो ये अभी नीचे आएगा क्योंकि जो इसका लोएस्ट पॉइंट है उस तक तो नहीं बट हाँ नाइन्टी एट तक तो आराम से आ ही सकता है देखिए नाइन्टी सेवन है तो यहाँ तक आ सकता है नो no प्रॉब्लम अब ये हंड्रेड आया अभी इसमें वापस बाइंग आई है और मैं इसको वापस तीन पॉइंट के लिए ही बेच दूंगा क्योंकि जो ट्रेंड की स्पीड है जो इसमें आ रही है अभी ये अब जैसे एक एक पॉइंट स्पीड ये आ रही है बहुत तेज स्पीड आ रही है तो इसमें फ्लक्चुएशन उतनी ही तेज होगा यानी कि डाउन जाने की भी उतने ही जल्दी चांस होते हैं तो अभी मैं इसको तीन पॉइंट पर ही बेच देता हूँ ज़्यादा हम लोग रिस्क नहीं लेंगे ये देखिए, ये पहली वाली कैंडल को नहीं तोड़ पाया तो अब हम इसको 103 पे बेच देते हैं 103 आ गया और ये हम इसको सेल लगाते हैं वन जीरो टू अब ये वापस 103 जब ब्रेक कर देगा हम लोग उसको बेचेंगे देखिए ये लो कितना गया है ये हंड्रेड इसने ब्रीच कर दिया है लो तो यानी हंड्रेड से ऊपर जाएगा ये थोड़ा सा और ट्रेंड का टाइम क्या है देखिए अभी हम सबसे पहले टाइम देख लेते हैं एक बार दस मिनट का जो ये ट्रेंड है कब स्टार्ट हुआ है दो बजे स्टार्ट हुआ है अब देखिए आधा घंटा मैंने आपको कहा है दस मिनट और चल सकता है ये ट्रेंड पंद्रह मिनट और चल सकता है उससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा उसके बाद रिस्क है क्योंकि यूजुअली एक पॉजिटिव ट्रेंड एक बार ही चलता है अब ये तीन पे आ गया तो मैं इसको बेच देता हूँ ठीक है एक सौ तीन एक सौ तीन एटी फाइव ये वाला मुझे लग रहा है थोड़ा सा आगे जाएगा तो मैं वेट कर रहा हूँ एक सौ चार पर आया अब मैं इसको बेच देता हूँ ये मैंने इसको बेच दिया तो हमने इसको चार पॉइंट के लिए बेच दिया आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग इसलिए मैंने उसको क्लोज कर दिया अभी आप इसको और देख सकते हैं समझ सकते हैं और आप ये देखिए वन जीरो फोर पर आ गया तो आप वैसे बेच सकते हैं थोड़ा सा अगर आप रखेंगे तो यू कैन डू इट बट चार्ट को लगातार आपको देखते रहना है व्हाट इट इज तो आज के लिए अभी यहीं क्लोज करते हैं एंड विल सी व्हाट वी कैन डू टुमारो चलिए सॉरी ऑन मंडे थैंक यू सो मच थैंक यू